नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बागपत उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। पार्ट दो में अपने अंतिम चरण में जहां पर प्रदेश सरकार योगी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का साथ साथ यहां पर अन्य प्रदेशों के पास फंसे लोगों को निकालने का भी काम किया है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन पार्ट टू अब अपने अंतिम चरण में हो। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के साथ साथ अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को निकालने का भी काम किया है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्यों से मजदूरों का आना अभी भी बदस्तूर जारी है। आज भी हरियाणा के पानीपत से पैदल चलकर 3 परिवारों के करीब 15 लोग बागपत के बड़ौत पहुंचे। आपको बता दें, हरियाणा से उत्तर प्रदेश में घुसने के लिए इन लोगों को बेहद ही खतरनाक तरीका अपनाया। जब दिन में उजाले में इन मजदूरों ने सीमा में प्रवेश नहीं मिल पाया तो उन्होंने रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ यमुना पार करने का फैसला किया और छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर यमुना को पार किया है। सत्यवती, तुम कहाँ से आए हो? हम पानीपत से। अच्छा, कितने लोग? हम 15। तो कैसे आए आप लोग? हम यमुना जी में पानी नाप नाप के जब आए थे, बच्चे कंधा पे डाल रहे थे। कितने दिन से चले हुए आप लोग? 2 दिन हो गए यार। कुछ खाने पीने को तुम्हें मिला कहीं? सरकार दे रही थी कभी चावल कभी पूरी। कहाँ जाना आपको? बताएंगे। तुम्हारा? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। जयप्रकाश, कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ पानीपत से जी। कहाँ जाना है? जिला बदायूं जाना है, खजरिया नाम गाँव है। अच्छा, तो कैसे आए तुम लोग वहाँ से? वहाँ से हम आए पानीपत से, आए गिन्नौर से, फिर जो है जमुना हमने डंडे से पार की थी, बच्चों को कंधे बैठा बैठा के बहुत मुश्किल से पार की थी। अब हम बदायूं जाना चाहते हैं। अच्छा, अभी कहाँ हो आपको पता है? अब ये इसका तो पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे खाने पीने, तुम पैदल चल रहे हो, खाने पीने का क्या इंतजाम था? खाने पीने का सरकार से मिला खाना, कभी खाना चावल मिल गया, कभी चचर पूरी मिल गया, और ये रास्ते में जो सुविधा हुई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन